ज्यादा मेहनत करो। देखो, मैंने आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में बता दिया था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। इसमें तीन मेंबर थे, जिसमें साइमन कमीशन इसके हेड थे, सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता था। ये इंडिया में इसलिए आया था ताकि ये सिफारिश दे सके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया में और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन सुधार या संवैधानिक सुधार करने की जरूरत है, नियम कानून या कानूनों में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया गया, और सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडिया वाले लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि 1930 में 12 मार्च 1930 को 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से महात्मा गांधी चले थे अपने फॉलोअर्स के साथ, और सूरत जिले में, गुजरात का सूरत जिले समुद्र के किनारे पड़ता है, वहां पे डांडी नाम की एक जगह है, समुद्र का किनारा है तो वहां नमक बनता होगा, तो वहां पर एक मुट्ठी, जैसे पिक्चर में आप देख ही पा रहे हैं, जो हाथ से वो मुट्ठी से व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, वो नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा, और यहाँ पर वो 7 अप्रैल तक, सॉरी 6 अप्रैल को डांडी पहुंच गया था। नमक उठा लिया, अब हम यूज करेंगे इसको, एक सांकेतिक रूप में था, हाँ सिंबॉलिक था, मतलब ऐसा नहीं था। तो अब उनके करने के बाद अब बोला कि अब कोई भी यहाँ जो भी तट पे रहेगा कोस्टल इलाके में ना, कोई भी आदमी आओ नमक बनाओ, अब सरकार का कानून हम नहीं मानेंगे, सर इस तरह से। सरकार अपने सिपाही रखते थे समुद्र के किनारे, नहीं कोई जा सकता था, या नहीं तो अब जरूरत नहीं है ना, हम लोग ये हम लोग कोई जब वो कहते हैं कि तो गांधी जी कैसे पहुंच गए ये कह रहे हो आप। हाँ, और ये आपने जैसे कि इन्होंने बोला गांधी जी ने कि मतलब कोई भी जाके नमक बना सकता है, तो कैसे बना सकता है? मैं आपको बताता हूँ, समुद्र के किनारे वाला जो इलाका होता है ना, तो समुद्र की लहरें जब ऊंची होती हैं तो सामने के जो खड्डे खुड्डे होते से पानी भर जाता है, और फिर पानी जब उतरता है, दिन भर धूप रहती है, तो है ना वो इवेपोरेट होकर के नमक बन जाता है। मेरी बात सुनो ना तुम बेटे, मैं तुम्हारे क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हुआ, पहले तो कानून था कोई बना नहीं सकता, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग अंग्रेजों से लड़ करके नमक बनाएंगे। महात्मा गांधी जब पहुंचे तो इनको अरेस्ट भी किया गया, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन और भी ये आंदोलन बढ़ता चला गया, सब लोग मारते गए, सब लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, कितने भी पुलिस की लाठियां बरसी, लेकिन कहे कि नहीं नमक कानून हम तोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। नमक तो एक बहाना था, सॉल्ट जो था एक केवल बहाना मात्र था, ताकि पूरे देश की जनता एक साथ आ सके, अंग्रेजों को ये दिखाया जा सके कि इतने छोटे से मुद्दे पे पूरे देश की जनता आ सकती, तो आजादी तो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए तो आएगी ही। महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि कैसे पूरे देश की जनता को एक साथ ला करके सामने खड़ा किया जाए, और उसके लिए नमक सबसे अच्छा, क्योंकि नमक क्या है ना, एक गांव की जो औरत है, बुढ़ी औरत है, एकदम बिल्कुल दादी अम्मा है, वो भी उससे रिलेट हो जाएगी। अच्छा नमक के बाद, हाँ चल मैं भी चलूंगी लड़ने के लिए, होता है ना इस तरह से। अब कोई, अब जैसे मान लो कंझावले में कोई आंदोलन पैदा करे कि आईफोन है ना सस्ता होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सरकार का चक्का जाम करेंगे, ट्रक ब्रश रोकेंगे, ठीक है, कौन जा रहा है? हम तो नहीं जा रहे, बहुत लोग नहीं जाएंगे, तो एक कॉमन जैसे जो कॉज होता है ना, कॉमन मुद्दा होता है, उस पे जाएंगे। देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, या दिया है तो मैं देख लूं, मैं आपको बता दूं, जब 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेजों को शुरुआती दौर में तो उतना नहीं पता चला, लेकिन आगे उनको ये समझ में आने लगा कि इससे तो पूरा व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सरकार का कोई भी काम भी तो नहीं किया जा रहा था। अब देखो मैं आपको बता, भारत का समुद्री किनारा गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक 7516 किलोमीटर जितना लंबा है। ठीक है, अब इतने लंबे इलाके में जो समुद्र के किनारे है वही तो केवल नमक बनाएंगे, और लोग कैसे आंदोलन करे, जो बिहार का है अंदर, कर्नाटक का अंदर है, वो क्या करेगा। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो समुद्र के किनारे वाले इलाके थे, वहां तो नमक तोड़ा गया, नमक का कानून तोड़ा गया।
उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में क्या किया गया कि चौकीदार कर होता था, चौकीदारी का है ना, जैसे नहीं चौकीदारी करते हैं, वो टैक्स दिया जाता था। तो जनता ने कहा कि एक ये जो चौकीदार है ये हमारी ही खबरें पुलिस को देता है और हमें पिटवाता है, हम इसको क्यों देंगे टैक्स, ये इसको क्यों देंगे पैसा, क्यों देंगे इसकी तनख्वाह जो होती थी हम क्यों देंगे। लोगों ने देने से मना कर दिया। सरकार का, महात्मा गांधी ने कहा कि जिन जो आदमी सरकार की मारपीट को सह सके, उनके सामने टिके रह सके, वो सरकार को टैक्स भी मत दो जमीन का। लोगों ने टैक्स देना छोड़ दिया। बागान में जो मजदूर काम करते थे वो कहते थे बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, समझ रहे ना। तो जो लोग जहां पर था, उसके बाद सबसे बड़ा बात क्या था, यूपी बिहार बंगाल जो पूरा बंगाल प्रोविंस था, वहां पर शराब की दुकानों के बाहर औरतें पिकेटिंग करती थी। पिकेटिंग का मतलब बताया था आपको, मोटे मोटे डंडे लेके जाती थी और जो भी मतलब आते थे लेने के लिए, फिर उनको जी उनको प्रसाद मिलता, काम करती थी और शाम को शराब। हाँ हाँ, इस सिविल डीज ओबीडियंस मूवमेंट में जो 1930 में स्टार्ट हुआ, ये डांडी मार्च जो है ना, सॉल्ट मार्च, इसी से ये आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये चलता है 1931 तक, एक साल तक। 5 मार्च 1931 का दिन, ठीक है, 5 मार्च 1931 डांडी मार्च याद है ना, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया, डांडी पे नमक बन गया, उसके बाद ये आंदोलन और बढ़ता चला गया। तो उस समय भारत का वायसराय, ठीक है, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन। जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो रहा था तो भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन था, उसने कहा, महात्मा गांधी को बुलाया कि भाई जो आंदोलन कर रहे हो तो आइए अपनी मांगों को रखिए, हम लोग बातचीत करते हैं, आपकी क्या डिमांड्स है। तो महात्मा गांधी कहे, तो अंग्रेजों ने देखो क्या क्या, भारत के महात्मा गांधी ने क्या डिमांड रखी। पहली डिमांड कि हमको नमक का बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, जो लोग केवल अपने यूज के लिए बनाना चाहते हैं उनको ऑर्डर है, कोई भी आदमी बना करके इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकता, मतलब व्यापार के उद्देश्य से भारत का आदमी नमक नहीं बना सकता, चलो ठीक है अपने यूज के लिए तो बना सकते हैं। दूसरी डिमांड, जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है सभी लोगों को आप रिहा करो इस आंदोलन के दौरान। लॉर्ड इरविन ने कहा कि देखो, आंदोलन होने के बाद जब पूरा हो चुका था उसके बाद किया था, मतलब महात्मा गांधी को बुलाया गया। हाँ, ये बुलाया ही इसीलिए गया था ताकि आंदोलन खत्म किया जा सके, अभी समझौता के लिए बुलाया गया था। तो इसके बीच में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव भी अरेस्ट थे। मैंने आपको बताया था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई और 5 मार्च 1931 को ये इरविन के पास गए, समझ रहे हैं। बुक्स में जो लिखा है मैं वो बता दे, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु तीनों, मेरी बात सुनो, इस बुक में जो लिखा है पहले मैं वो आपको बता देता हूं। और महात्मा गांधी जी ने इरविन को जो लेटर भेजा था ना, अपने हाथ से लिख करके जो लेटर भेजा था, उस लेटर का भी रेफरेंस लेके मैं रियल बात बता दूं, जो अभी न्यूज चैनल में कुछ दिन, ये अभी मार्च में आया था, कुछ दिन पहले आया था वो, ठीक है वो भी बता देते हैं, पहले बुक की सुन लीजिए। तो महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन ने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर तो मैं छोड़ दूंगा, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, वो सब रिहा हो जाएंगे, लेकिन जो क्रिमिनल है, मतलब जिनके ऊपर मर्डर का चार्ज है, ठीक है ना, उनको मैं छोड़ नहीं सकता, ये मेरे बियॉन्ड माई पावर है। तो ठीक है, इसका मतलब सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को रिहा नहीं किया जा सकता, इरविन बोल रहा था। ये तो किताबी बात है जो कांग्रेस ने छापी है, जितनी किताबें जितनी मैंने पढ़ी है आप जो पढ़ रहे हो ये है, लेकिन रियलिटी सुनो, महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, बाद में लेटर भी लिखा कि रिहा किया जाए, तो उन्होंने बस ये नहीं कहा था कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग फिर से आंदोलन कर देंगे, सब लिखना चाहिए ना, बताना चाहिए उनको। इन्होंने लिखा, आप भगत सिंह को या इन सबों को अगर आपके कानून में अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता हो सके तो छोड़ दें, क्योंकि अगर उनको फांसी हो जाएगी तो बहुत बड़ा विद्रोह या हिंसा की स्थिति बन सकती है। बस ये बात सिंपल सिंपल विद पोलाइटनेस अच्छे से एकदम विनम्रता के साथ बात उन्होंने लिखी थी, इसको डिमांड तो नहीं कर सकते, ये एक तरह की एडवाइस या सलाह थी।
ये खाना पूर्ति जो होती है ना फॉर्मेलिटी, बस वो महात्मा गांधी ने किया था। और मेरी बात सुन लीजिए, महात्मा गांधी चाहते ही नहीं थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आजाद, क्योंकि महात्मा गांधी से भी ज्यादा हो सकता था कि पॉपुलर भगत सिंह हो जाते। शुरू से ही ना महात्मा गांधी को एक क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम दिमाग में क्या रहती थी मैं आपको बताऊं, कि अगर कोई भी कांग्रेस में लीडर, आपको पता है महात्मा गांधी को टक्कर देने वाला कांग्रेस में लीडर कौन पैदा हुआ था? सुभाष चंद्र, जवाहरलाल नेहरू तो उनके चप्पलों को पोछा मारने वाले थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1939 में, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पूरे कांग्रेस के सब लोग जैसे होते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, चेयरमैन हेड, सब लोगों ने वोटिंग किया बनाया। लेकिन महात्मा गांधी को ऐसा लगा, महात्मा गांधी चाहते थे कि सीतारमैया एक दूसरे लीडर थे उनको बनाया जाए, सुना ना। तो हुआ क्या, महात्मा गांधी नाराज हो गए, मुंह फुला लिए। तो सुभाष चंद्र बोस बड़ा इज्जत करते थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वो इंसान थे ना जो अंदर से कुछ और थे और बाहर से तो कुछ और ही थे। तो बाहर से देख करके महात्मा गांधी जैसे थे, सभी लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदे, सुभाष चंद्र बोस भी, बड़े बड़े जो भी लीडर आप देखते, महात्मा गांधी को देख के ही आजादी की लड़ाई में आए थे वो, इनसे इंस्पायर होके, बात समझ रहे ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि जब आप ही खुश नहीं है तो मुझे लीडरशिप का क्या करना है, उन्होंने लीडरशिप छोड़ दी। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी। तो ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट पे आते हैं 5 मार्च 1931 को। दूसरा प्रूफ, ऑफिशियल लेटर, वो जो महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था ना इरविन को, वो नेशनल आर्काइव होता है बेटे, मैं आपको समझाता हूँ। सरकार के जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना साइन किए हुए, वो सैकड़ों साल अंग्रेजों के जमाने के भी पूरे संभाल करके पूरे लाइब्रेरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो अब तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस ने क्या किया, तो सारी चीज निकाल सकते हैं। कांग्रेस पहले निकालती नहीं थी इन लेटरों को, याद रखिए। हाँ वही बात है ना, कांग्रेस की बदनामी होगी। तो देखिए, ये तो डिमांड थी इनकी, महात्मा गांधी की। तो इरविन ने क्या डिमांड किया, वो सुन, इरविन ने दो डिमांड रखे महात्मा गांधी के सामने। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले आप सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ दो, सिविल डिजोडेंस। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है छोड़ देंगे। और दूसरा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होनी थी, जिसको गोल मेज सम्मेलन कहा जाता था, मैं आपको समझाता हूं। उसमें जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता था, प्राइम मिनिस्टर, वो होता था, और कांग्रेस के जितने या भारत के, जैसे कि मान लो कि बी आर अम्बेडकर हो गए, भीमराव अम्बेडकर, कांग्रेस के तरफ से कोई हो गया, मुस्लिम लीग के तरफ से कोई हो गया, भारत के लोग जो बड़े बड़े लीडर वो भी वहां जाएंगे, ताकि आप जाइए अपनी बातों को रखिए प्रधानमंत्री के सामने, ब्रिटेन के बड़े बड़े मंत्रियों के सामने, और वहां बातचीत करिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो वहां पर आपको जाना है, ये मैंने आप साइन करो कि आप जाने के लिए तैयार, सुन रहे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1930 में, तो कांग्रेस के तरफ से कोई नहीं गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल टेबल होता था, चारों तरफ बैठते थे, इसलिए टेबल, टेबल राउंड, गोला, सिंपल। चाय, चाय, बिस्किट, बिस्किट, चल। देखिए, तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और महात्मा गांधी उस समय फिर ब्रिटेन गए, लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और ब्रिटेन में इन ये जो डिमांड रख रहे थे ये नहीं मानी गई, तो फिर लौट के आ गए। तो कांग्रेस से एकमात्र नेता जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे वो महात्मा गांधी थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पहले में कोई नहीं गया, दूसरे में महात्मा गांधी गए थे। हाँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, क्यों, इंडियन तो बहुत सारे गए। इसमें बेटा मैं आपको बताऊं, भीमराव अंबेडकर जो थे ना, उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए, तीनों में गए थे, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, और कांग्रेस में नहीं थे, नहीं अलग थे ना, कांग्रेस में नहीं थे,
देखिए मैं आपको बताता हूँ, आजादी के लिए कुछ किया ही नहीं, मतलब आजादी के लिए कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं, गोबर। उन्होंने छोटी जातियों के सम्मान के लिए काम किया और वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, मतलब वो आ गया। अब ये समझ लीजिएगा कि वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, मतलब कि कुशाग्र बुद्धि के, कि पूरा का पूरा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाए, क्या होगा, उसके मेंटोर थे, मतलब हेड थे वो। जो मैं आपको बताता हूँ, ड्राफ्टिंग होता है ना, पहले जैसे कुछ ही लिखने से पहले ड्राफ्ट लिखते हैं, मतलब कैसे लिखा जाएगा, एक मॉडल बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया संविधान, उसकी ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर वहां पे या कहीं पर भी इसलिए गए, या इनका क्या था कि जो भी छोटी जातियों से रिलेटेड जो भी मामला था दलित वर्ग का, उसके सबसे बड़े लीडर बी आर अम्बेडकर को माना जाता। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गए, और आपको बताया था ना मैंने कि अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में थोड़ा झंझट हो गया था। इन्होंने कहा कि दलितों के लिए भी हम अलग रिप्रेजेंटेशन लेंगे, अलग सीट रिजर्व लेंगे, रिजर्वेशन हमको चाहिए, सरकार ने दे दिया। और इसी बात से दुखी होकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी लौट आए, और ये लौट के आए ना तो इनको जेल हो गई। अंग्रेजों ने पहले पकड़ के इनको जेल में भर दिया, सोचा कि ये बाहर रहेंगे, वहां से आए तो हो सकता है फिर से आंदोलन कर दें। तो वहीं पर जेल में ही थे, तो इन्होंने कहा कि मैं अमरण अनशन करूंगा, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर भी इंडिया आए रिजर्वेशन लेके, तो बी आर अम्बेडकर के सामने कांग्रेस के लीडर लोग कह रहे क्या कर रहे हो यार, वो बापू मर जाएंगे इतने दिन से अब पास में, तू अलग ही कूदे जा रहा है, हैं नचनिया कहीं का। और लीडर लोग कांग्रेस के, फिर 1932 में क्या हुआ, समझाया गया, दोनों लोग बीच बातचीत हुई, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, 1932 में हुआ था, है ना, और उसके बाद ही मामला ठंडा हुआ। आगे देखिए, सितंबर क्या देखो बेटा, एक एक वर्ड मेरा इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि आप कितनी बार ये बुक पढ़ लेना, आपके खोपड़ियों पल्ले कुछ नहीं पढ़ना है। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ लाल टोपी। इन सितंबर 1939, सितंबर 1939 में, सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, सॉरी, आफ्टर टू इयर्स ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस। और एक सेकेंड और याद रखना कि 1937 में भारत में उस समय 11 प्रोविंसेस थे पूरे इंडिया में, राज्य स्टेट, उसमें से 7 राज्यों में केवल कांग्रेस की सरकार बन गई थी क्योंकि इलेक्शन कराए गए थे 1937 में। और ये 2 साल तक अभी शासन चला ही था, तब तक क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। और बेटे उसमें अंग्रेजों के शासन में भी, ठीक है ना, वहां पर इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और इलेक्शन होने पे मतलब कि उसमें 1935 आप कर सकते हैं, 1937 फर्स्ट इलेक्शन। इसको कहा जाता था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता, कि आपको बाहरी मामले, सुरक्षा का मामला, सेना का मामला या विदेश संबंध, फॉरेन रिलेशन आपको नहीं देखने दिया जाएगा। हाँ, आप सड़क नाली बिजली पानी ये सब जो इंतजाम होते हैं सरकार जनता के सहयोग वाली या जनहितकारी जो सेवाएं होती है, पब्लिक सर्विसेज वाली, उस तरह की सरकार आप बना सकते हैं। तो ये इलेक्शन भी हुए, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भी किया और इसमें सत्ता में भी है। हेलो, वो 50% नेट खत्म हो गया, कहाँ है फुसफुस आ रही सामने, बोल, आपको पता नहीं, बेवकूफ, सामने तो बोल रहे हैं सर आपके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो फिर सारी की सारी व्यवस्था डगमगा गई। मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बिल्कुल दबाव में आ गया। मैं आपको और बताऊं, उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैं आपको बता दूं, जर्मनी का दबदबा था, जर्मनी ने पूरे यूरोप को एकदम तबाह कर रखा था। जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी ने और इटली ने पूरे यूरोप को तबाह कर रखा था, और जापान ने इधर चाइना,
बर्मा जो म्यांमार है वहां तक पूरा जगह जीत लिया था, और भारतीयों अंग्रेजों को इस बात का डर था, ठीक है ना, कि सबसे जो कीमती हमारा उपनिवेश या कॉलोनी है वो इंडिया, अगर जापानियों ने इस पे कब्जा कर लिया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, उधर तो यूरोप तो जा ही रहे हैं हमारा, समझ रहे हैं बात को। तो ये चाहते थे किसी भी तरह से भारत के लोग अंग्रेजों का साथ दें, ठीक है, मतलब अंग्रेजी सेना का साथ दें, और अंग्रेजी सरकार कह रही थी, भारतीयों को कह रही थी, कांग्रेस को कह रही थी, यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर थे, कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आपकी पूरा संविधान बना दिया जाएगा, आपको आजादी दे दी जाएगी, सारा काम कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन सब लोग ये सोच ही रहे थे तब तक महात्मा गांधी को लगा, और भी देश के लीडरों को लगा, कि यही सही मौका है, जब पूरा ब्रिटेन दबाव में है तो हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, ठीक है। एक तरफ तो सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव है ब्रिटेन के ऊपर, और दूसरा हम लोग भी आंदोलन कर देंगे तो सरकार दबाव में आ जाएगी, हम लोगों को मजबूरी में उसको पूरा सत्ता सौंप के जाना पड़ेगा। अगस्त 1942, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ ये मूवमेंट की गई थी, बता रहे अभी तो बेटा, मैंने नाम बोला है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बतानी है आपको। नहीं ये नहीं बोल रही ना, मतलब कोई भी किया काम को पूरे हिंदुस्तान में पूरे कोई आदमी महात्मा सारे वर्ल्ड जो मतलब जहाँ पे भी सरकार ने नहीं, भारत में, पूरे इंडिया में क्या। हाँ मतलब वही के तो मतलब वहां के सब लोग गए थे आंदोलन में। ये बेटा जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा आपकी दिमाग के सारे चीजें क्लियर होते जाए, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन। अब सुनिए बस, अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई कि अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इंडिया के लोग। महात्मा गांधी ने पहले ही अपना जो लेटर लिखा या न्यूज़पेपर में बताया जनता को कि हो सकता है कि आपका नेतृत्व करने के लिए कोई भी लीडर सामने ना हो, अंग्रेज रातों रात सबको अरेस्ट कर लें, ठीक है, लेकिन आप अपने पथ प्रदर्शक खुद ही बने, ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि अंग्रेजों का सामना कैसे करना है, अपना विरोध या प्रदर्शन कैसे करना है, आपको कोई नहीं भी बताएगा तो आपको पता है, ठीक है। पहली बात, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होने वाली थी, पूरी बॉम्बे की जहां दूर दूर से जनता उस मैदान में आग पहुंची। अभी विधि दीदी को याद आया कि क्लास लेना है, ठीक है, पूरे दूर दूर से सारी जनता रखी थी, और महात्मा गांधी का वहां पर आना था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इससे पहले ही क्विट इंडिया मूवमेंट में ही एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, इस बार या तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, नहीं तो भारत माता को आजादी की बेड़ी गुलामी की बेड़ियों से आजाद करा देंगे। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। हुआ क्या कि महात्मा गांधी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, जो भी जनता को कर सकते थे लीड कर सकते थे, सबको अरेस्ट करके पहले ही जेल में डाल दिया गया, और पूरे हिंदुस्तान में हिंसा फैल गई, ठीक है ना। जनता ने रेलवे स्टेशन पे बहुत पटरियों को उखाड़ दिया, तो जनता में भी वो जोश आ गया था ना। जी बिल्कुल, इसीलिए इसमें राम मनोहर लोहिया, आसफ अली, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन सभी लोगों ने क्या किया, नेपाल चले गए भाग करके, और वहां से कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। वो क्या करते थे, अंडरग्राउंड रह के कभी अंग्रेज पता ही नहीं लगा पाए कि रेडियो नॉलेज सिग्नल कहाँ से आ रहा है, और पूरे देश की जनता को वहां से रेडियो पे अपना वहां से मैसेज भेजते रहते थे कि आज आपको ये आंदोलन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग जो भाग के चले गए वहां पे, जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, राम मनोहर लोहिया, आशरफ अली, राम मनोहर लोहिया तो यहीं के थे, नेपाल में चले गए कांग्रेस के लिए, सब लोग बिहार से नहीं थे,
केवल जयप्रकाश नारायण बिहार से। हजारीबाग झारखंड में एक जगह है, उसी जेल में वो बंद थे। वो अपने साथियों के साथ जेल को तोड़ करके, मतलब कि बाउंड्री को छलांग लगा के बाउंड्री को बंक करके फिर भाग के नेपाल चले। वो जेल में थे और सारे वो भी थे। इसी के साथ साथ आपने आजाद हिंद फौज के बारे में सुना होगा, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जी ने, देखो बेटा इसके बारे में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस, नाम याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस, इन्होंने ही इस आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुनते जाओ, जापान में, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ, एक दूसरे से लड़े, तो जितने भी आपको पता है ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन सैनिक, भारतीय ही तो बहाल होते थे आर्मी के तरफ से भी, तो जितने भी इंडियंस को जापानियों ने अरेस्ट किया था, उन सभी को मोहन सिंह ने कहा आप हमें छोड़ दो, रास बिहारी बोस ने भी, हम खुद सेना बना के आपकी मदद करेंगे और इंडिया से अंग्रेजों को भगाएंगे, आपको इंडिया से अंग्रेजों से ही तो लड़ना है, हम लोग लड़ेंगे। तो जापान ने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्ती हुआ, जापानियों ने मदद भी किया। 1943 में बस ये हुआ, सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता में हाउस अरेस्ट पे रखा गया था, वो यहां से भाग गए, पहले गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर भागते भागते चले गए, पता है कहां, जर्मनी, हिटलर से मिले, और हिटलर ने वहां व्यवस्था की किसी शिप की, वहां से जापान गए। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे ना, महात्मा गांधी लड्डुओं की बात कौन करता है। जर्मनी से जापान गए, जापान से बैंकॉक गए, थाईलैंड के कैपिटल, और बैंकॉक से फिर कहां गए, सिंगापुर। 1943 में, सिंगापुर एशिया में ही है, चाइना से नीचे थोड़ा। 1943 में रास बिहारी बोस ने इस आजाद हिंद फौज का बस लीडर उनको बना दिया, हैंड ओवर कर दिया कि ये आजाद हिंद फौज आप लीजिए, आप कमांडर हैं और जैसे युद्ध लड़ना है लड़िए। इस आजाद हिंद फौज ने, देखिए, इस आजाद हिंद फौज ने नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नागालैंड का, मणिपुर का, उधर से अटैक भी किया, अंडमान निकोबार को भी जीत लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही आजाद हिंद फौज की जापानियों से मदद मिलनी बंद हो गई, गोला बारूद, खाद्य पीना सब बंद हो गया, और बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया, समझ रहे ना। बरसात का मौसम स्टार्ट होने से क्या हो गया कि उस इलाके में बहुत ज्यादा कीचड़ पानी हो गया, बड़े बड़े कोई भी गाड़ियां या ट्रक नहीं जा सकते थे, जिससे कि ये पूरे के पूरे जो इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज वाले लोग थे, वो मारे गए और जितने भी जो बचे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी मृत्यु का कारण आज तक कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि अज्ञातवास में चले गए, कोई कहता है कि एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, उसमें वो मर गए। कहीं भी नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं। लोग बेटे एरोप्लेन से जा रहे थे, जापान की ओर ही जा रहे थे, बीच रास्ते में कहीं क्रैश हो गए। बेटे इनके पास, मैंने जापानीज आर्मी और लोग भी इनकी मदद कर रहे थे उस समय, ये थोड़ी लड़ रहे थे आकर के, ये तो अपने सेंटर पे सिंगापुर में ही थे ना, तो वहां पर जब आर्मी का छापा पड़ा ब्रिटिश आर्मी का, तो फिर उनको भागना पड़ा। हाँ देखो, मैंने आपको बताया ना, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने कहा था, बताया था आप लोगों को मैंने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किस महापुरुष ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, याद रखिएगा इस बात को। इन्होंने, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, सुना है ना, स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता या स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया कहा गया, मतलब कि भारत के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देने वाले। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, कहां थी विधि, इतने लेट से क्लास ज्वाइन किया तुमने, okay,
सर ये पहले वाला चैप्टर का दूसरा स्टार्ट कर दिया बेटे ये नाइन्थ चैप्टर है ना उसी का जो दो पेज बचा हुआ था उसी को करा रहे हैं टेंथ चैप्टर कल से स्टार्ट करें कितना टाइम हो गया क्या वो नाइन्थ चैप्टर ही है बेटा ये टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन अरे अभी 13 मिनट से बोला नहीं आपको देखिए हुआ क्या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 में खत्म हो गया तो 1940 की बात कर रहा हूं उससे पहले से ही 1942 से पहले 1940 से मुस्लिम लीग ने वो हिलाइए मतलब टूट गया ना तब की खोपड़ियां तोड़ देंगे आ गया ये तुम्हें कह रहा हूँ मुंडी मार रही है पीछे टूट के गिर जाएगा आ गया जा बेटा थोड़ा और क्या भाई तो आ गया थोड़ा आ गया थैंक यू देखिए मुस्लिम लीग उस समय मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता मोहम्मद अली जिन्ना बन चुका था और उसने कहा कि हमें अब मुसलमानों के लिए एक दूसरा देश चाहिए ठीक है इसको पाकिस्तान नाम दिया गया इस बात की डिमांड आगे बढ़ने लगी आगे जाकर के बहुत सारे मामले हुए ये जो पाकिस्तान है पूरा इंडिया से ही था हाँ बिल्कुल ठीक है नहीं तो हुआ क्या पाकिस्तान से हमारे इंडिया के और नहीं तो क्या एप्पल फोन मंगाएगा खाने को है उसको प्याज सबसे अधिक वहां पे डिमांड इंडिया के प्याज की होती है देखो हुआ क्या जब पाकिस्तान की डिमांड बहुत बढ़ने लगी तो महात्मा गांधी बीच में आए देखो पूरे इंडिया और पाकिस्तान में दो ही लोग थे जो ये बंटवारा नहीं चाहते थे पाकिस्तान में ठीक है बड़े ही महान आदमी थे तो मुसलमान लेकिन बड़े महान आदमी जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था है ना उनका नाम था क्या था वो नहीं रुको ना खान अब्दुल गफ्फार खान वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पेशावर था ना वहां पर थे ठीक खान अब्दुल गफ्फार खान भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसको भारत रत्न कहा जाता है पता है पहले विदेशी यही थे जिनको भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखिएगा इस बात को बेटे तो आजादी के बाद दिया गया ना तो खान अब्दुल गफार खान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे महात्मा गांधी से भी मिलना है कि हम लोग जब जिस भारत को आजाद कराने के लिए लड़े तो अब आजादी के बाद हमें ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या सुनने को मिल रहा है लेकिन अब इन लोगों की कोई सुनने वाला था नहीं ठीक है अब कांग्रेस का लीडर हो गया था जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे कोई किसी की बात ही नहीं सुनता था कोई बात नहीं बनी कुछ भी करते रह गए तो लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन को विंस्टन चर्चिल वहां से तो निकल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली था जब भारत को आजादी मिली वो लेबर पार्टी का था भारत को आजादी मिलने के मैं आपको तीन कारण बताता हूं पहला ब्रिटेन में जो आदमी भारत को आजाद नहीं करना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी वो वहां का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल वो हार गया इलेक्शन में तो वो अब ब्रिटेन का कुछ नहीं था दूसरा अब जो नया प्राइम मिनिस्टर बन के आया था वो लॉर्ड एटली लेबर पार्टी का था वो चाहता था भारत को आजादी मिले ठीक है तीसरी बात भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सबसे अधिक मदद अमेरिका ने की थी और अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र चाहता था और बेटे प्रजातंत्र तो तब आएगा ना जब किसी देश को आप गुलामी से निजात दोगे तो वो भी चाहता था आ जाओ प्रजातंत्र क्या होता है सर
डेमोक्रेसी बेटा जैसे इंडिया में है, ठीक है। तो इतना उसके बाद ये बेटा आपको क्या नाम है, विधि दिख रहा होगा, ये जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, ये खान अब्दुल गफार खान साहब। छोटा मोटा मत समझ लीजिएगा, मैं अगर पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसी को मानता हूं जो असली देशभक्त था मुस्लिम होके, तो ये खान अब्दुल गफार खान था और कोई नहीं था, सब नकली थे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया भारत में। कैबिनेट मिशन क्या था, अंग्रेजी सरकार ने एक मिशन भेजा, लोगों का ग्रुप भेजा, ठीक है, जिसमें ये देखा गया कि भारत को किस तरह से उनके सत्ता को सौंपा जाए या पावर हैंडओवर किया जाए, भारत के लोगों के द्वारा उनका एक संविधान बनवाया जाए। तो आए, अपना अपना प्रस्ताव रखे, लेकिन मुस्लिम लीग को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग हर बार कुछ ना कुछ रोड़ा कर देते थे, कांग्रेस तो राजी था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम में भेजा गया भारत की, आप कोई उपाय निकालो और जल्दी से जल्दी। देखिए, मार्च 1948 तक अल्टीमेटम दे दिया गया। लॉर्ड एटली ने घोषणा कर दी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कि भारत को मार्च 1948 तक आजादी दे दी जाएगी। अब तुम ये जाओ और देखो कि क्या क्या करना है, किस तरह से आजाद करना है। माउंटबेटन को भेजा गया, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। माउंटबेटन को और भी जल्दी थी, वो इस बहरी है क्या जो मैं, तुम्हारा फोकस कहाँ रहता है, 2 मिनट में की हो क्या, तुम्हारा फोकस कहाँ है, किसने भेजा था भाई माउंटबेटन को, ले सब सदमे में है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भेजा था यार, कि वो बात बोल रहा हूँ, दो बार बोला फिर सुनते नहीं आप लोग बेटे, सब वही हो, ये तो अभी नहीं सुन पाते, बाद में क्या आप लोग को याद रहेगा। देखो जनक, कोई तुम्हारे जैसा नहीं, बेटा याद भी रखना चाहिए ना। लॉर्ड एटली जो था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि मार्च 1948 तक हम भारत को आजादी देना चाहते हैं। इस काम के लिए उसने अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा, जो लॉर्ड माउंटबेटन था। सुनिए ना, माउंटबेटन ने क्या किया, उसने और भी जल्दी में काम स्टार्ट किया। पहले तो 3 जून 1947 को इस भारत की आजादी में सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान का डिमांड था। पाकिस्तान कुछ ना कुछ नाटक करते रहता था, सॉरी मुस्लिम लीग। उसने कहा कि अब कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि ये दो देश नहीं बने, ठीक है, सब लोग राजी हो गए थे। तो 3 जून 1947 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। बिल्कुल सर, भारत और पाकिस्तान का जो भी बॉर्डर देखते हो ना, इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये केवल भारत और पाकिस्तान में नहीं, जो भी बांग्लादेश दिख रहा है ना, वहां पर भी है। तो बांग्लादेश में भी जो लाइन बनाई गई, बाउंड्री बनाई गई, रेड क्लिफ अपने ऑफिस में बैठ करके, चैम्बर में बैठ करके, जो भी पुराना मैप था उसी से देख देख के इस तरह से अपना लाइन खींच दिया। अब ऐसा स्थिति हो गया कि एक गांव दो देशों में बट गए, एक कोई कोई तो घर ही आधा आधा दोनों देशों में बट गया, ये स्थिति हो गई। लेकिन कानून तो कानून था। इस तरह से जो पूर्वी बंगाल, कितना पाकिस्तान दिया जाए, वो किसने डिसाइड किया, सब रेड क्लिफ ने किया था। जिस हिसाब से पॉपुलेशन थी, जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे मुस्लिमों की, उस हिसाब से उतना एरिया दे दिया गया उनको। बेटा पूरा बांग्लादेश और पूरा पाकिस्तान छोटा इलाका नहीं है, ठीक है ना, पूरा अच्छा खासा जमीन जायदाद दिया गया था उनको। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश आजाद हो गया 1971 में। बांग्लादेश पे भी थी, बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान ही तो था, पूर्वी पाकिस्तान। और इस तरह से आपको पता ही है कि आजादी मिल गई। आप लोग भी आजाद हो जाइए, घर पहुंचिए, और कल हम चैप्टर 10 करेंगे।